tonicity first the contents definition of tonicity hypotonic solution isotonic solution and hypotonic solutions first the definition so tonicity is the relative concentration of solute particle dissolved in the solution with reference to the out outer environment or the other compartment स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो टॉनिसिटी और ऑसमोसिस है अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो टॉनिसटी के अंदर हम बेसिकली वी टॉक अबाउट द सोल्यूट्स हम सोल्यूट कंसनट्रेशन की बात करते हैं जबकि ऑसमोसिस में हम आमतौर तो पर वाटर कंसनट्रेशन जो उसको एज प्रिंसिपल लेते हैं कि जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से वाटर उधर आएगा जहाँ कम अमाउंट में मौजूद है तो टॉनिसटी की डेफिनेशन यह है कि जहाँ टॉनिसिटी बेसिकली सोल्यूट इट इज़ अ मैटर विच डील्स द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स दो कंपार्टमेंट्स में जब सोल्यूट कंसनट्रेशन को डिस्कस करेंगे तो ये टोनिसिटी जो है जहाँ टोनिसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज्यादा है और जहाँ टोनिसिटी कम है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होगी अब तीन तरह की टोनिक कंडीशन जो टोनीसिटी एग्जिस्ट करती है द फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशनस सेकेंड आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड थर्ड वन आर दाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक हाइपर का कलफी मतलब क्या होता है बढ़ जाना इंक्रीज हो जाना तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशनस हैं जहाँ सोल्यूड कंसनट्रेशन क्या है कि ज्यादा है जो एक खास लेवल से ज्यादा है अगर हम स्पर्स करें ये कहते हैं कि एक सेल हाइपोटोनिक इन्वामेंट में पड़ा हुआ है तो इसका सिंपल ये मतलब होगा कि सेल जिस सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर सोल्यूड कन्सनट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर सोल्यूड कन्सन्ट्रेशन कम है अब जहां सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर मालिक्यूल उसी तरफ मूव करेंगे अगर एक सेल हाइपरटोनिक इन्वामेंट में पड़ा हुआ है तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चूंकि सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर मालिक्यूल सेल के अंदर से बाहर निकल कर बाहर आ जाएंगे तो वाटर मालिक्यूल विल कम आउट फ्रॉम द सेल अब जब वाटर मालिकुल सेल के अंदर से निकलकर बाहर आएंगे तो सेल जो है वो क्या करेगा वो श्रिंक कर जाएगा इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं इट इज़ अ क्रीनेशन क्रीनेशन का वर्ड का मतलब यह है कि श्रिंकेज ऑफ सेल चूंकि अब यहां अपने थोड़ी सी जो बात क्लियर रखनी है जहन में रखनी है कि हम बात करें इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट हाइप्रोटोनिक है यानी इन्वायरमेंट में सेलुलर कर, सोल्यूट कंसनट्रेशन क्या है ज्यादा इन साइड द सेल की बात हम नहीं कर रहे हैं बाहर सेल्यूट कंसनट्रेशन ज्यादा है और फिर सेल के अंदर डेफिनेटली क्या होगी कम होगी आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक मीन सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ सोल्यूड कंसनट्रेशन उतनी ही है जितनी सेल के अंदर है तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर सेल के अंदर से वाटर मालिक्यूल बाहर आए तो बाहर से ही अंदर जा रहे हैं टेन मालिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर आ रहे हैं तो टेन मालिक्यूल्स ही सेल के बाहर से अंदर जा रहे हैं तो इससे ओवरऑल सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ही तो सेल श्रिंक करेगा क्रीनेशन भी नहीं होगी और ना ही सेल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बर्स्ट करेगा इनके टर्जेट हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशनस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं या ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है हाइपो का लफसी मतलब भी क्या होता है लो कम तो हाइपोटोनिक मीन लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है अब इसका क्या सिनेरियो क्या बनेगा इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है यानी सोल्यूट कंसनट्रेशन क्या है कम है सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर ने तो हमेशा लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करना है तो रिजल्ट ये होगा कि जब आप एक सोल्यूट को लो कंसनट्रेशन वाले एक सेल को लो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वाटर मालिक्यूल विल मूव इन टू द सेल जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो मालिक्यूल जब इनसाइड मूव करेंगे तो सेल पहले टर्जिट हो जाएगा फ्लैटन होगा और उसके बाद जब वो स्वेल करने के बाद अल्टीमेटली बस्ट कर जाता है तो इस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल श्रिंक करेगा आइसोटोनिक के अंदर सेल वॉल्यूम सेम रहेगा जबकि हाइपोटोनिक के अंदर सेल स्वेल करेगा और उसके बस्ट होने के चांसेस होंगे इस डायग्राम में अगर हम देखें आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में ये सेल रेड ब्लड सेल की प्रॉपर शेप है आपको पता बाईक शेप होती है रेड ब्लड सेल की तो ये बाईकनकेव प्रॉपर शेप है सेल की जितने वाटर मालिक्यूल्स सेल में एंटर हो रहे हैं उतने ही मालिक्यूल बाहर जा रहे हैं ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वाटर हम ये नहीं कह सकते कोई मालिक्यूल एंटर ही नहीं होगा मालिक्यूल्स हमेशा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं लेकिन आइसोटोनिक में ये होता है कि जितने मालिक्युल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं उतने ही क्रॉस करके बाहर जा रहे होते हैं तो इससे रेशो बराबर हो जाती है तो सेल के वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ेगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हाइपोटोनिक का मतलब है कि बाहर साल कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है हाई साल्स हैं साल कंसन्ट्रेशन बाहर साल कंसन्ट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर कम है इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है यानी इसको हाइपोटोनिक अब मैं इसको अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको लिखूंगा इट इज हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि सेल के अंदर से मालिक्यूल बाहर आएंगे जो कि बाहर साल कंसनट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के अंदर से मालिक्यूल बाहर आएंगे जिसकी वजह सेल जो है श्रिंक कर जाएगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हाइपो का मतलब है लो इन्वायरमेंट में सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है ये सेल से बाहर क्या है लो सोल्यूट कंसनट्रेशन है अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा बाहर सोल्यूड कंसनट्रेशन लो है सेल के अंदर कंसनट्रेशन सोल्यूड की हाई है तो वाटर हमेशा उधर जाता है जिधर सोल्यूड कंसन्ट्रेशन ज़्यादा होती है तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर मालिकूल बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे अब जब वाटर मालिक्यूल जा अंदर जाएंगे सेल के तो क्या होगा सेल का तो एक ख़ास वॉल्यूम है वाटर मालिक्यूल के अंदर आने से सेल पहले क्या करेगा वो स्वेल कर जाएगा यहाँ अगर आप देखें आइसोटोनिक में और हाइपोटोनिक में देखें आइसोटोनिक में एक प्रॉपर शेप है सेल की यहाँ सेल जो है वो स्वेल हो चुका है वो जब मजीद वाटर सेल के अंदर एंटर होगा तो इट विल बस्ट तो सेल जो है वो बस्ट कर जाएगा जिससे ये वैसे भी एक्सपेरिमेंटली भी हम जब देखना हो तो रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डालें अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर डाले से सेल बस्ट कर रहे हैं फट रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ सोल्यूड कंसेंट्रेशन कम है